What's up, guys? I hope you are doing well. I am Shubhanshu. Welcome to conceptual classes. इस वीडियो नंबर 4 में हम बात करेंगे कुछ रिमेनिंग पोर्शन जो वीडियो नंबर 3 में छूट गया था, मींस बायोम्स के बारे में. हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कंटेंट्स ऑफ द वीडियो. इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिया है. इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में उसको कंप्लीट कर लिया है. बायोस्पेस क्या होता है इसको देख लिया है. टेरेस्ट्रियल बायोम्स हम लोग कुछ पार्ट देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, और उसका कुछ मेजर पोर्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है SSC और UPSC के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में, वो वीडियो बच गया था. क्योंकि ये टॉपिक्स जो ग्रासलैंड और डेजर्ट बायोम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं सोचा कि इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं और कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर रहे और कोई क्वेश्चन छूटने का चांसेस नहीं रहे. तो ये चैप्टर नंबर 4 का ही पार्ट है, पार्ट 2. इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, तब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्वेटिक बायोम्स एंड रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ द दिस इकोलॉजी. सबसे पहले हम इस बात करेंगे ग्रासलैंड और डेजर्ट टेरेस्ट्रियल बायोम्स के बारे में. हम टेरेस्ट्रियल बायोम्स देख रहे थे. टेरेस्ट्रियल बायोम्स में हम पहले फॉरेस्ट बायोम्स देखे, फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देख लिए. अब उसका रिमेनिंग पोर्शन ग्रासलैंड और डेजर्ट्स के बारे में देखते हैं. सबसे पहले जो ग्रासलैंड होता है ये उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. इट इज अनअल्टर्ड एरियाज वेयर ग्रास इज डोमिनेंट प्लांट लाइफ. पहले ही बताए हुए थे किसी भी बायोम्स का जो नॉमेनक्लेचर करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन विच प्लांट और विच फ्लोरा आर डोमिनेंट इन दैट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया. अगर उसमें फॉरेस्ट ज़्यादा डोमिनेंट है तो उसको फॉरेस्ट बायोम्स बोलते हैं. अगर उसमें ग्रासलैंड ज़्यादा डोमिनेंट है तो ग्रासलैंड बायोम्स बोलते हैं. अगर डेजर्ट ज़्यादा डोमिनेंट है तो डेजर्ट बायोम्स बोलते हैं. सो इट कैन बी डिफाइंड एज अनअल्टर्ड एरियाज वेयर ग्रास इज द डोमिनेंट प्लांट लाइफ. इट ऑक्यूपाई अबाउट 1/4 ऑफ द लैंड एरिया एंड एक्ट एज ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट. इसको ध्यान रखना, जो फॉरेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा उसमें ग्रीनरी हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रीन्स हो गया, बहुत ज़्यादा प्लांट एनिमल्स, हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट में पाया जाता है और लोएस्ट डाइवर्सिटी डेजर्ट्स में पाया जाता है जहाँ पे कोई वाटर का स्कर्सिटी रहता है, वाटर नहीं के बराबर रहता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत स्ट्रेस होता है जिसमें प्लांट का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता है. इसलिए इट इज ग्रासलैंड बायोम्स आर इन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स. मीन्स ग्रासलैंड जो हुआ सबसे ऊपर में फॉरेस्ट, उसके नीचे में डेजर्ट्स और बीच वाला जो पोर्शन होता है वो ग्रासलैंड में आता है. तो ग्रासलैंड्स का जो नोमेनक्लेचर होता है वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप्स है जो जिससे कि हर किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है. तो हम पहले इसको समझने से पहले कुछ हम वर्ल्ड मैप देख लेंगे. ये हमारा एशिया है, यूरोप है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, और इधर नीचे वाला जो एरिया है हमारा अंटार्कटिका है, और ऊपर वाला जो है आर्कटिक ओशियन है. उसके बाद हम इसमें सी का थोड़ा सा देख लेते हैं. जो एशिया के राइट साइड में और ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग पैसिफिक ओशन बोलते हैं. ऊपर वाला एरिया नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नीचे वाला एरिया साउथ पैसिफिक ओशन. इंडिया के नियर अबाउट जो एरिया है ये सारा एरिया ये हमारा आता है इंडियन ओशियन. ये इंडिया के लेफ्ट साइड वाला जो होता है अरेबियन सी है. ये हमारा क्या बोलते हैं मुस्लिम कंट्री है, जितना सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सारा इस एरिया में पड़ता है. ये जो बड़ा वाला कॉन्टिनेंट है साउथ अफ्रीका हो गया. तो हर एक एरिया में जो ग्रासलैंड्स होता है उसका डिफरेंट नेमिंग किया जाता है. ये जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में कुछ ग्रासलैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रेरीज. इसको याद रखना है, प्रेरीज इज फाउंड ओनली इन नॉर्थ अमेरिका. उसी टाइप का ग्रासलैंड जो साउथ अमेरिका अर्जेंटाइना वाले एरिया में जो पाया जाता है, ये वाला जो हमारा एरिया अर्जेंटाइना हो गया, इस एरिया में कहीं ब्राजील है, पेरू है, लाइम है, तो जो अर्जेंटाइना वाले एरिया में साउथ अमेरिका में जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पंपास. इधर में साउथ अमेरिका में पंपास, नीचे में पंपास, ऊपर में प्रेरीज. जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है उसको बोलते हैं बेल्ट, और जो एशिया और यूरेशिया में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्स. ये जो बीच का एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं अटलांटिक ओशन, ऊपर में नॉर्थ अटलांटिक ओशन,
नीचे में साउथ अटलांटिक ओशन, और जो ए वाला एरिया बच गया है हमारा हो गया पैसिफिक ओशियन। ये जो पांच चार नाम है हमेशा याद रहना चाहिए, इससे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं, इवन पीएमटी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स आप लोगों को पहले ही क्लियर है, टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ विद रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर इन वेरियस एग्जामिनेशन विदाउट अटेंडिंग कोचिंग ट्यूशंस इन मिनिमम टाइम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। टारगेट ऑडियंस इस वीडियो को देख सकते हैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आईएफएस, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, एसएससी, एआईपीएमटी, नीट, बीएससीएजी, माइक्रोबायोलॉजी, बोटनी और पर्सन हु हैज क्लोज एफिनिटी टू एनवायरनमेंट एंड नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज, ये लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। डिस्क्लेमर पहले ही बताया, प्लीज डोंट कंफ्यूज दैट ओनली वाचिंग वीडियो इज विल बी सफिशिएंट टू स्कोर मैक्सिमम एग्जाम्स, इट विल हेल्प ओनली टू क्लियर द कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिक एंड सेलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स एंड इजी रिकॉल। प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो इफ इट रियली हेल्पिंग यू, और डिसलाइक विद कमेंट सो दैट आई कैन इंप्रूव द सेम इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, कंफ्यूजन और यू वांट टू वीड ए न्यू वीडियो ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, राइट द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। It is my personal guarantee that video will be uploaded within 24 hours. You can search for more video on my conceptual classes. आगे चलते हैं। अब आते हैं सबसे पहले for इसमें grasslands में। ये हमारा world का map है जो पहले दिखाया थे। उसी world के map को थोड़ा सा colored में दिखाया गया। इसमें दिखाया गया है A वाला जो area है वो mountains है। ये जो area है deserts। जितना भी ब्राउन कलर का दिख रहा है डेजर्ट है हमारा, अपन इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो डेजर्ट है इसको सहारा डेजर्ट बोलते हैं। ये साउथ अफ्रीका वाला थार डेजर्ट हो गया, इधर मंगोलिया में गोबी डेजर्ट हो गया, इसका अलग अलग नाम है जो आगे वाले वीडियो में स्लाइड में क्लियर होगा। सो डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के डेजर्ट होते हैं। कुछ डेजर्ट्स होते हैं जो हॉट एरिया में पाए जाते हैं, मीन्स जो एरिया इक्वेटर के नियर अबाउट है, जैसे हमारा ये हो गया इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है, इसके नीचे में इक्वेटर क्रॉस करता है और उसके नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्रॉस करता है। जो भी एरिया इक्वेटर के नियर अबाउट और इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पाया जाता है, वहाँ पे जो भी डेजर्ट होता है वो हॉट डेजर्ट होता है या एरी डेजर्ट होता है, मीन्स वहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं रहता है, जो इन्वायरमेंट रहता है वो बहुत गर्म रहता है। लेकिन कुछ डेजर्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत कोल्ड रहते हैं। जो भी एरिया इस आर्कटिक ओशन का एरिया है, अंटार्कटिका का है वो एरिया है, या यूरोप से कुछ रशिया का है, कुछ कनाडा का है, ये सारा एरिया जो रेड कलर से दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड टुंड्रा। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डेजर्ट, बट यहाँ पे जो इन्वायरमेंट रहता है वो थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है, मीन्स वाटर का कॉन्टेंट रहता है, लेकिन प्लांट के नाम पर कोई बायोडाइवर्सिटी या कोई फ्लोरा फौना बहुत मिनिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। सो इससे कन्फ्यूज नहीं होता होना है कि डेजर्ट का मतलब केवल गर्म जगह, डेजर्ट का मतलब गर्म भी होता है ठंडा भी होता है, डेजर्ट का मतलब ये कि केवल वाटर का स्कर्सिटी हो। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्रासलैंड के बारे में। ग्रासलैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं, एक होता है सवाना और दूसरे को बोलते हैं टेम्परेट। सवाना क्या होता है कि इट इज वार्म ह्यूमिड ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। सवाना जो ग्रासलैंड्स होता है वो हमेशा गर्म रहेगा और ह्यूमिड रहेगा, मीन्स बारिश थोड़ा बहुत होते रहेगा, रेनी सीजन है उसमें 40 टू 80 सेंटीमीटर का बारिश होता है, लेकिन जो ठंडा वाला सीजन है वो हमेशा ड्राई रहता है, मीन्स ठंडा के दिन में बारिश का कहीं नामो निशान नहीं आता है, लेकिन गर्मी के दिन में 40 से 80 सेंटीमीटर का बारिश होता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ग्रास देखने को मिलता है, लेमन ग्रास हो गया, बरमूडा ग्रास हो गया, स्टार ग्रास हो गया, रोड्स ग्रास हो गया, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस ज्यादा मिलते हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का ट्री मिल सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स आर ओनली ग्रासेस, इसीलिए नाम पड़ा ग्रासलैंड्स। प्लांट्स कैन सर्वाइव इन ड्राई सीजन, फायर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन ड्राई सीजन। इसमें क्या है खासियत है, जो समर एरिया होता है वो तो रेनी होता है, लेकिन जो विंटर एरिया होता है हमेशा ड्राई होता है। तो जब समर रेनी सीजन पर रहेगा तो देर आर चांसेस दैट प्लांट डेब्रिस और प्लांट पार्ट्स आफ्टर डेथ में डिकम्पोज। तो जब डिकम्पोज होता है तो उसमें बहुत सारा माइक्रोबियल एक्शन होता है, माइक्रोबियल एक्शन होता है तो उसमें डिजीज और पैथोजेंस के स्प्रे होने का चांसेस रहता है, वो डिजीज और पैथोजेंस इंसेक्ट में तो उस एरिया में सर्वाइव कर जाता है, नेक्स्ट कमिंग प्लांट सीजन में प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। उससे बचने के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना आता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जितना भी ग्रासलैंड्स है
और डेजर्ट्स है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर इज द ओनली वे बाय विच वी कैन मींस एरिया कैन बी स्टरलाइज। स्टरलाइजेशन सब लोग जानते हैं, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया को माइक्रोबियल फ्री बनाना। अगर हम खेत गांव में देखते हैं कि खेत को गर्मी के दिनों में प्लॉइंग कर दिया जाता है, जोत करके छोड़ दिया जाता है, उसका पर्पस क्या है कि उस प्लॉट एरिया में नीचे का सॉइल पार्ट ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा, जिससे सॉइल के सनलाइट के या सन के हीट से जो भी उसमें माइक्रोब्स पैथोजेंस और इंसेक्ट का एग्स प्रेजेंट रहता है वो सॉइल के सन के लाइट से और सन के हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले क्रॉप में या अगले जनरेशन में इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक होने का चांसेस मिनिमम हो जाता है। इसलिए इस समाना ग्रासलैंड जो है उसमें फॉरेस्ट फायर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स भी कॉमन होते हैं, कि एक ग्रास है तो ग्रास को खाने वाले कौन होते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाएंगे, कार्निवोर्स खाएंगे। हर्बीवोर्स हो गया जो घास खाता है, कार्निवोर्स जो होता है वो मांस खाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेट। टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू +20 डिग्री सेंटीग्रेड। जाड़ा के दिन में टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे -20 डिग्री चला जाएगा, वही गर्मी के दिन में 20 डिग्री चला जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेट, मीन्स गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। गर्मी जब बहुत ज्यादा पड़ेगा तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाएगा, जितना हम लोग यहाँ ठंडा के दिन में रहता है। रेनफॉल ओनली लेट स्प्रिंग एंड अर्ली समर 50 to 80 सेंटीमीटर पर ईयर। जो रेनफॉल होता है, जो बारिश होती है, वो केवल स्प्रिंग सीजन में होता है, लेट स्प्रिंग सीजन में और अर्ली समर में। यहाँ पे क्या होता है, रेन हमेशा गर्मी के दिनों में होता है, यहाँ पे गर्मी आने से पहले या स्प्रिंग सीजन के लेट में 50 to 80 सेंटीमीटर पर ईयर की बारिश होती है। एक इसको क्या बोला जा सकता है कि गर्मी के दिन में बारिश होगा तो क्रॉप के ग्रोथ, इसमें जो प्रोडक्टिविटी होता है, बायोमास का प्रोडक्शन सवाना में ज्यादा होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड में कम होता है, क्योंकि बारिश जो है गर्मी आने से पहले ही खत्म हो जाता है। ट्रीज एंड श्रब्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द टेम्परेट ग्रासलैंड। इसमें जो ट्रीज होता है, श्रब्स होता है, सारा स्कैटर्ड होता है, ग्रासेस का अमाउंट कम होता है। लेकिन एक इसमें खासियत क्या होता है, ग्रासेस आर रेसिस्टेंट टू ड्राउट एंड ओकेजनल फायर। फायर हमेशा तो नहीं लगता है, लेकिन ओकेजनली कभी कभी फायर लगने का चांस लगता है। लेकिन यहाँ पे कोल्ड हमेशा रहता है, कोल्ड ड्राउट, तो जो भी उसमें ग्रासेस होते हैं वो कोल्ड से और ड्राउट से बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं बाय द डेवलपमेंट ऑफ सम केमिकल्स और सम अल्टरनेट स्ट्रेस मैकेनिज्म। वो अभी नहीं बात करेंगे, स्ट्रेस मैकेनिज्म और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अलग प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट है, कभी बाद में बताएंगे। इसमें एनिमल का डाइवर्सिटी जो होता है सवाना से कम होता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैक्सिमम 20 डिग्री, यहाँ टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी होता है, तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी हाई रहेगा वहाँ पे डाइवर्सिटी का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ये क्लियर कट डिफरेंस हो गया सवाना में और टेम्परेट ग्रासलैंड में। आगे चलते हैं, वही पहले वाले वीडियो में बताए थे प्रेरिस नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका और स्टेप्स यूरेशियन रीजन में पाया जाता है। अब आता है डेजर्ट के बारे में, व्हाट इज डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, जहां पे रेनफॉल एक्सट्रीमली लो होता है, लेकिन एक लो रेनफॉल वाला एरिया भी हमारे पूरे अर्थ प्लानेट का 1/5 मीन्स 20% ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड और आवर अर्थ प्लानेट आर डेजर्ट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना एरिया हमारा डेजर्ट्स है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना जरूरी है। इस डेजर्ट्स वाले एरिया में क्या होता है, ओकेजनल फायर होता है, गर्मी ज्यादा रहेगा, उसके बाद एरिड कंडीशन रहेगा, पानी का कोई नामो निशान नहीं रहता है, ह्यूमिडिटी नहीं रहता है, इसलिए फायर लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कभी कभी कोल्ड भी सीवियर होता है, मीन्स टेम्परेचर का जो रेंज होता है बहुत ज्यादा होता है। दिन में टेम्परेचर 47, 50 डिग्री, 60 डिग्री पहुंच जाएगा और रात का टेम्परेचर -20, -30, -50 तक चला जाएगा। उसके बाद इनफ्रीक्वेंट एंड सीवियर रेन कॉज फ्लडिंग, कोई ड्रेनेज सिस्टम वहाँ प्रॉपर डेवलप नहीं होता, कभी कभी सीवियर रेन हो जाता है, बारिश अचानक से डेजर्ट वाले एरिया में भी शुरू हो जाती है, जिसके चलते फ्लडिंग होता है। जैसे आप लोग अभी सुनते होंगे कि राजस्थान में बाढ़ आ गया। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर, जो भी यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसमें कुछ स्पेशल अडेप्टेशन मैकेनिज्म होता है। जैसे ऊँट के बारे में जानते हैं कि उसके बॉडी में पानी को स्टोर करने का कैपेबिलिटी होता है। कुछ डेजर्ट्स वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, जिसमें स्पाइन डेवलप होता है, जिससे वो अपना
वाटर के इवेपोरेशन को मिनिमाइज करता है, वाटर के कंजर्वेशन को मैक्सिमाइज करता है, क्योंकि वाटर लिमिटेड क्वांटिटी में जो भी वाटर आए उसको इवेपोरेशन में लॉस नहीं होने देना है, उसको कंजर्व करके रखना है। इसलिए इस एरिया वाले जो भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं उसमें वाटर कंजर्वेशन का एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे कि वाटर स्ट्रेस को या शॉर्टेज ऑफ वाटर को बर्दाश्त कर पाए। डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के डेजर्ट्स होते हैं। एक डेजर्ट होता है हॉट एंड एरिड और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। एक गर्म डेजर्ट या गर्म मरुस्थल और दूसरा होता है ठंडा मरुस्थल। जो हॉट डेजर्ट होता है वो जनरली लो लेटीट्यूड पे पाया जाता है। लो लेटीट्यूड का मतलब अगर मान लीजिए कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है तो इस एरिया से कहीं बीचों बीच साउथ अफ्रीका के मतलब क्या बोलते हैं उसको केन्या DRC कॉन्गो ब्राजील अर्जेंटीना इस सब एरिया से होते हुए हमारा इक्वेटर क्रॉस करता है, ठीक है। जो इंडिया वाला एरिया है यहाँ से कुछ पोर्शन चाइना का, कुछ बांग्लादेश का, इंडिया का, सऊदी अरब का, इधर साउथ अफ्रीका से पूरा होते हुए नॉर्थ अमेरिका अमेरिका को कुछ पार्ट होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। और इस इक्वेटर के नीचे वाला जो ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, ऑस्ट्रेलिया कुछ साउथ अफ्रीका का पार्ट से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। तो जो हॉट एंड एरिड डिजर्ट होता है वो मेनली इस एरिया में पाया जाता है। लोअर लैटिट्यूड मीन्स 0 डिग्री मैक्सिमम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से थोड़ा सा नीचे, मतलब ये वाला जो एरिया है इसमें मेनली हॉट एंड एरिड डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं सहारा डेजर्ट जो कि साउथ अफ्रीका का है, साउथ अमेरिका में कुछ डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ डेजर्ट है, मिडिल ईस्ट वाला जो है डेजर्ट, ये सब डेजर्ट को हम बोलते हैं हॉट एंड एरिड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट होता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ स्नो होता है, हमेशा बर्फ से ढका रहेगा, रेनफॉल कभी कभी जाड़े ठंडा के दिन में होगा, रेनफॉल डेज के अंदर विंटर, बट जो वहाँ के सॉइल्स होते हैं वो हेवीली एल्कलाइन होते हैं। हेवीली एल्कलाइन का मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। जो भी उस कोल्ड डेजर्ट्स के एनिमल होते हैं वो बर्वर होते हैं और कोल्ड ब्लड। बर्वर का मतलब वो अपना मेजोरिटी ऑफ द लाइफ टाइम हमेशा बिल के अंदर किसी ग्राउंड सरफेस के अंदर में बिताते हैं जिससे कि उसको कोल्ड स्ट्रेस या जो कोल्ड इंजरी होता है होने का चांस कम रहे। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि वो द एनिमल्स विच कैन नॉट एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जिस तरह का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उस तरह से अपना टेम्परेचर को कम कर लिया, ज़्यादा हो कर लिया। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस होना चाहिए। हम लोग जो है एनिमल्स होता है, जो मैमल्स होता है वो जनरली वार्म ब्लडेड होता है, हम लोग वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हुआ कि अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है फिर भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर जाड़ा भी कितना भी पड़ गया हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इस उसको एक फेनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस वाला स्टेसिस वाला जो फेनोमेना होता है ओनली इन वार्म ब्लडेड एनिमल। जो कोल्ड डेजर्ट्स में एनिमल पाया जाता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब हो गया उनमें होमियोस्टेसिस का फेनोमेना नहीं होता है। वो जितना जिस तरह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ वो अपने बॉडी का टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं और कोल्ड सीजन में बर्फ करके जमीन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनको अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। शॉर्ट मॉइस्ट एंड मॉडरेटली वार्म समर विद फेयरली लॉन्ग कोल्ड विंटर्स। मेन विंटर टेम्परेचर जो होता है -2 to -4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो मीन समर टेम्परेचर होता है 21 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी के दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर 21 से 26 डिग्री तक जाएगा मीन टेम्परेचर जो होता है, और जो जाड़ा के दिन में होता है वो मीन टेम्परेचर -2 to +4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। मीन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, मीन टेम्परेचर होता है कि हम टेम्परेचर का जो मेजरमेंट करते हैं दो टाइप के करते हैं। एक मॉर्निंग में करते हैं 10 बजे के पहले 7-8 बजे के करीब में जिसमें हमको मिनिमम टेम्परेचर मिलता है, फिर दोपहर में 2 या 3 बजे के बीच में करना है उसमें हमको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। तो हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर का जब एवरेज निकाल देते हैं तो मीन टेम्परेचर हो जाता है। जाड़ा के दिन में जो मीन टेम्परेचर है -2 to -4 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मी के दिन में जो मीन टेम्परेचर है वो 21 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल रेनफॉल होता है साल में 15 से 26 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है। जो मेजर वेदर के एनिमल्स हैं डेजर्ट्स के, जैक रैबिट्स हो गया, कंगारू हो गया, कंगारू माइस हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, एंटीलॉप हो गया, इसको याद रखना है, कभी कभी
ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है. सॉल्ट स्लैग इज हैवी सिल्टी सॉल्टी विद एलोवियल फैंस वेयर स्लैग इज रिलेटिवली पोरस विद गुड ड्रेनेज. सैंड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि ड्रेनेज बढ़िया होगा, पोरस हो गया उसमें. वाटर और रिटेंशन कैपेसिटी नहीं के बराबर होगा, जब भी बारिश होगा 5-10 मिनट के अंदर में सारा पानी को जमीन सोख जाएगा. दैट इज कॉल्ड पोरस और गुड ड्रेनेज. सिल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्ले का कंसंट्रेशन. सॉयल का जो कंपोनेंट हम बोलते हैं देखते हैं उसमें तीन पार्ट होता है, सैंड सिल्ट और क्ले. सैंड हो गया जिसका साइज 2 mm से बड़ा होता है, सिल्ट हो गया जिसका साइज 2 mm से छोटा और 0.2 mm से बड़ा होता है, और क्ले हो गया जिसका साइज 0.02 mm से कम होता है. तो इसमें सिल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और सॉइल का सैंड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए इस सॉइल्स को बोलते हैं पोरस है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं के बराबर है, ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़िया है. तब उस वर्ल्ड के मैप पे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स को देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं. ये हमारा हो गया वर्ल्ड का मैप पूरे ग्लोब. सबको पता है ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, नीचे में साउथ अमेरिका, ये वाला एरिया है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन. इसके बाद हो गया इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिका, और नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक. इसको याद रखना. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ हो गया इंडिया से होते हुए, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना से होते हुए कुछ सऊदी अरबिया, अरब, यूएई से होते हुए साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्री को टच करते हुए यूएसए से क्रॉस करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इक्वेटर नीचे वाला जो इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मालदीव्स हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, फिर साउथ अमेरिका के कुछ कंट्री को टच करते हुए निकलता है. उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, यहाँ पे 0 degree, यहाँ पे 23.5 degree, यहाँ पे भी 23.5 degree. ये वाला जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट या ट्रॉपिकल एरिया. जो इसके ऊपर होता है और इसके नीचे होता है उसको बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट. इसमें कुछ डेजर्ट्स है जो हमेशा पूछा जाता है कि हाँ पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, अटाकामा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, सहारा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है. तो इसको नाम याद रखना है, मैप से याद करने से बहुत जल्दी याद रहता है, भूलने का चांस बहुत कम रहता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ अमेरिका में. साउथ अमेरिका में 2 desert पाया जाता है, एक होता है पेंटागोनिया डेजर्ट और एक होता है अटाकामा डेजर्ट. अटाकामा डेजर्ट जो है अर्जेंटीना वाले एरिया में पाया जाता है, पेंटागोनिया डेजर्ट जो है वो पेरू वाले एरिया में पाया जाता है. साउथ अफ्रीका में भी 2 deserts होता है, एक होता है सहारा डेजर्ट जो नॉर्थन एरिया ऑफ अफ्रीका पाया जाता है, और एक होता है नामिब डेजर्ट जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है. ये हो गया साउथ अफ्रीका. ये हो गया अरेबियन डेजर्ट जो कि जो भी मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है उसमें पाया जाता है. ईरानी ईरान में भी कुछ डेजर्ट पाया जाता है जिसको ईरानी डेजर्ट बोलते हैं. तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है, तुर्कस्तान डेजर्ट बोलते हैं. टकला मकान एक डेजर्ट है जो कि मंगोलिया एक कंट्री है, मंगोलिया में पाया जाता है, इसको याद रखना. मंगोलिया में टकला मकान डेजर्ट पाया जाता है. थार डेजर्ट जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, राजस्थान वाला एरिया और पाकिस्तान का कुछ पोर्शन, जो कि थार डेजर्ट होता है. साउथ अफ्रीका में ही एक डेजर्ट होता है जो इंडियन ओशन के वो टच करता है, उसको हम बोलते हैं कालाहारी डेजर्ट. कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट साउथ अफ्रीका, सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका, तकला मकान मंगोलिया, पेंटागोनिया डेजर्ट चाइल साउथ अमेरिका, अटाकामा डेजर्ट अर्जेंटीना. ये हो गया हमारा मेजर डेजर्ट्स ऑन द अर्थ. इसको मैप के थ्रू ही 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा. उसी का कलर डर. ग्रासलैंड के बाद हम आते हैं टुंड्रा. टुंड्रा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइस डेजर्ट और फ्रोजन पेरी. ये भी एक बायोम्स ही है जहां पे पूरा जो एरिया है वो बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है टुंड्रा. टुंड्रा जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से जिसको बोलते हैं टुंटुरिया. टुंटुरिया का मतलब होता है ट्रीलेस लैंड, ऐसा लैंड जहां पे कोई पेड़ नहीं पाया जाता है ड्यू टू लोएस्ट टेम्परेचर. इसको बोलते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है. लो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नहीं के बराबर होती है.
सिंपल वेजिटेशन स्ट्रक्चर जो वेजिटेबल कहीं का दुका कहीं प्लांट दिख गया तो दिख गया, और लिमिटेशन ऑफ ड्रेनेज क्योंकि हमेशा पूरा अर्थ जो है आइस से कवर्ड रहता है तो ड्रेनेज का कोई चांस नहीं रहता, बारिश होगी वहीं पे फ्लड आ जाएगा इमिडिएटली। शॉर्ट सीजन ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, चूंकि मेजोरिटी ऑफ द ड्यूरेशन जो होता है वो बर्फ से ढका रहता है, जैसे एक साल का समय तो एक साल में नौ महीना दस महीना केवल पूरे एरिया में आइस से कवर्ड रहता है, आइस कवर्ड रहता है। कुछ दिन के लिए गलती से धूप निकल गया बहुत शॉर्ट समय के लिए, एक महीना दो महीना के लिए, तो प्लांट में इस तरह का मैकेनिज्म होता है जिसमें उसी एरिया में जिस एरिया में धूप निकला जिस एरिया में टेम्परेचर डाउन हुआ उसी कम शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना ग्रोथ रिप्रोडक्शन सारा काम कर लिया, फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया, सीड प्रोडक्शन हो गया, प्लांट सीड अपना डिस्बर्स भी कर दिया। सो बहुत ही क्विकली आज देखोगे फ्लावर निकला और अब 10 दिन के बाद आकर देखोगे तो उसमें फ्रूट बना रहेगा, मतलब बहुत क्विक करता है। दूसरा इस टुंड्रा का एक और क्वालिटी क्या है कि पॉपुलेशन इसका मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। कैसे क्यों डिफिकल्ट काम है, सब एरिया का पॉपुलेशन मेजर कर देते हैं टुंड्रा का क्या नहीं करते, बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ द टुंड्रा और आइस डेजर्ट्स आर नॉट स्टेबल, कभी पॉपुलेशन स्टेबल नहीं देखते हैं। क्यों, क्योंकि जो एनिमल्स है जो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड पड़ेगा तो उस एरिया से माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं मतलब ठंडा एरिया से घट के कुछ गर्म वाले एरिया में रहते हैं, फिर जब टेम्परेचर इधर का डाउन हो गया तो फिर गर्म एरिया से होकर ठंडा एरिया में आ जाता है, मतलब इम माइग्रेशन और ई माइग्रेशन कंटिन्यूअस फेनोमेना है। तो अगर हम वहाँ पे काउंटिंग करते जाते हैं तो कभी पता चलता है कि ओवर पॉपुलेशन है सारा एनिमल्स इसी एरिया में आया हुआ, और कभी पता चलता है कि ई माइग्रेट हो गया मतलब दूसरे एरिया में चला गया, इसलिए इसका पॉपुलेशन जो होता है हमेशा ऑसिलेट करता रहता है इन आउट की वजह से। टुंड्रा जो होता है दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा, दूसरा को बोलते हैं अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा जो होता है जनरली नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, इसमें सॉयल का न्यूट्रिएंट्स बहुत ही मिनिमम होता है, नहीं के बराबर होता है, और हमेशा परमाफ्रॉस्ट होता है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब हो गया हमेशा 24/7 पूरा एरिया बर्फ से ढका रहा है, सो लिटिल रूम फॉर डीप रूटिंग, जब पूरा एरिया बर्फ से ढका रहेगा तो रूटिंग होने का या रूट का ग्रो करने का चांसेस नहीं के बराबर हो जाएगा, मीन्स लिटिल रूम रहेगा, कोई स्पेस नहीं रहेगा कि प्लांट अपने रूट्स को जमीन के अंदर में फैला पाए, इसलिए कोई भी बड़ा ट्री देखने को नहीं मिलता है। जो भी प्लांट्स मिलता है सभी लाइकेंस हो गया, मॉस हो गया, कुछ छोटा छोटा फ्लावर जो जमीन पे ही स्प्रेड करता है। बर्ड्स का एक क्वालिटी होता है कि जो साउथ जो जब समर गर्मी का ठंडा का दिन आता है ठंडे के दिन में वो साउथ की तरफ माइग्रेट कर जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कुछ साउथ चले जाते हैं जिससे कि वो कोल्ड को सरपास करता है। टेम्परेचर जो है -34°C से लेकर के 12°C, ठंडा के दिन में टेम्परेचर -34 चला जाएगा और खूब गर्मी पड़ेगा तो 12°C जो टेम्परेचर हम लोग यहाँ जनवरी फरवरी में रहता है। रेनफॉल 15-25 cm देखने को मिलता है। प्लांट्स जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, ग्रुप टुगेदर होते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो कोल्ड को रेसिस्ट कर पाए, कितना भी ठंडा पड़ेगा प्लांट में किस तरह का केमिकल निकलता है जिसमें हम लोग बोलते हैं चैपेरॉन, उस केमिकल के थ्रू अपने आप को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है और प्लांट को ड्राई होने का चांसेस नहीं रहता है। प्लांट्स आर प्रेफर्ड टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड डिविजन रेदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज्यादातर जो मोडक रिप्रोडक्शन है बडिंग और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम क्या होना चाहिए, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए फ्लावरिंग होना चाहिए, फ्लावरिंग होने के लिए क्या चाहिए लाइट चाहिए, लाइट रहता नहीं है इसलिए शॉर्टकट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना काम चला लेता है। एनिमल्स आर एडिशनल इंसुलेटेड लेयर ऑफ फैट, जो भी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर में बॉडी के ऊपर में एक फैट का बहुत इंसुलेटेड लेयर होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, तो इंसुलेटेड लेयर रहेगा तो अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा और बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जाएगा, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हाइबरनेशन माइग्रेशन विथ ऑसिलेटिंग पॉपुलेशन, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि उसको बोलते हैं रेस्टिंग ड्यूरिंग विंटर, अगर जाड़ा में कोई एनिमल्स गायब हो जाता है धरती के अंदर चलाता है उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, और गर्मी में कोई जाता है तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, याद रखना है कभी कभी पूछता है। हाइबरनेशन मतलब कोल्ड सीजन में, एस्टिवेशन मतलब हॉट सीजन में या समर सीजन में। माइग्रेशन बता दिए हैं कि गर्मी का दिन आएगा तो इस एरिया में विंटर कर जाएगा एनिमल्स, जब ठंडा का दिन आएगा तो माइग्रेट करके किसी दूसरे एरिया में साउथर्न रीजन में चला जाएगा, इसलिए जो पॉपुलेशन होता है हमेशा ऑसिलेट करते रहता है कम ज्यादा कम ज्यादा। अल्पाइन टुंड्रा में क्या होता है लाइक दिस इज ऑल्सो आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा की तरह ही होता है अल्पाइन टुंड्रा, लेकिन इसका जो लोकेशन होता है हायर एल्टीट्यूड पे होता है जो 10,000 फीट से ज्यादा होते हैं।
मीन्स टेम्परेचर प्रेशर रेनफॉल सब लगभग आर्कटिक टुंड्रा की तरह है, केवल लोकेशन हाई एल्टीट्यूड पर रहेगा। लैक ऑफ ट्री, कोई ट्री होने का चांस नहीं है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, टेम्परेचर कम है, बर्फ से ढका हुआ तो कोई रूट का ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए हायर ट्री या हायर प्लांट होने का चांस नहीं है। ओनली स्मॉल लीफी ग्रास लाइक ब्लू ग्रास कैन बी सीन, छोटा छोटा ग्रास जो ब्लू ग्रास होता है उसको हम देख सकते हैं। टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, इसलिए यहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है या नहीं के बराबर है। प्लांट्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, पेरेनियल्स होते हैं, सो रिप्रोडक्शन ऑलवेज हग द ग्राउंड, हमेशा जो है जमीन को लिपते रहते हैं। इस एरिया में एक प्रॉब्लम क्या आता है कि जब प्लांट का डेथ हो जाता है, एनिमल का डेथ होता है हो जाता है, तो टेम्परेचर चूंकि बहुत लो है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन नहीं के बराबर होता है, क्योंकि लोगों को पता है कि किसी भी माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को होने के लिए एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, और एंजाइम्स जो होता है वो टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होता है। जो बेस्ट एफिशिएंसी होता है एंजाइम्स का वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है और एवरेज टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहेगा तो हमेशा बर्फ में, अगर हम फ्रीज में किसी चीज़ को रख देंगे, पेड़ को काट करके फ्रीज में रख लेंगे, तो जैसे रखेंगे वैसा ही रहेगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा। सेम एरिया इधर अल्पाइन टुंड्रा में पाया था, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, हमेशा फ्रीजिंग कंडीशन रहता है, इसलिए डिकम्पोजिशन का रेट बहुत कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन जब स्लो होगा, नहीं के बराबर होगा, तो सॉइल्स का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉइल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमेशा जो एरिया है रॉकी सॉइल पाया जाएगा। रॉकी सॉइल मीन्स नो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, नो सॉइल फॉर्मेशन, ओनली रॉक्स आर फॉर्म। तो ये हो गया आर्कटिक टुंड्रा और आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा, दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे हम एनिमल जो देखते हैं आर्कटिक टुंड्रा में, इस तरह का देखोगे जो भी एनिमल्स उसके बहुत ऊपर ऊपर बॉडी के ऊपर बहुत सारा हेयर पाया जाता है, फैट का हेयर पाया जाता है, जिससे कि कोल्ड को रेसिस्ट कर पाए। मछली भी जो पाई जाती है उसमें भी कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जो कि कोल्ड टेम्परेचर को झेल पाए। प्लांट्स का भी बहुत छोटा छोटा आइट होता है, कोई ट्री देखने को नहीं मिलेगा, स्मॉल बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर देखने को मिलता है, और जो एरिया है हमेशा कहीं ना कहीं पानी मिलते रहता है। तो ये हमारा टुंड्रा रीजन का फोटोग्राफ्स है जो आप देख करके याद रख सकते हैं। ये हो गया हमारा जो स्टार्ट किए थे टेरेस्ट्रियल बायोम्स, आज कंप्लीट हो गया। टेरेस्ट्रियल बायोम्स में हम लोग सब कुछ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और टुंड्रा सारा कुछ देख लिया। आई थिंक अब इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी इतना करने के बाद अगर कोई आपको कंफ्यूजन होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।